मामला जो धर्मवीर था वो मेरे चाचा का लड़का था और वो कल क्रेशर लेने के लिए किसी का क्रेशर रोड लेने के लिए दादरी आया था और उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे अमित और ओमवीर। तो उन्होंने क्रेशर दादरी से ले जाने के बाद में उन्होंने दारू पी है, शराब के नशे में फिर वो उसका क्रेशर उतार के बाद में उन्होंने पैंतावास कलाम जो होटल है उस होटल में उन्होंने कुछ खाना खुना भी खाया है और नशे की हालत में थे। तो फिर किसी राहगीर ने उसके दोस्त को बताया कि भाई ऐसे तेरा दोस्त धर्मवीर यहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पर, नहीं तो जब उस टाइम प्रोटेक्टर था और नहीं वो दोस्त थे। तो फिर उससे ने बात भी करवाई है अपने दोस्त से, उसको बोला कि मैं किसी दूसरे को भाई लेने के लिए भेज रहा हूँ, मैं तो दूर हूँ, मैं दादरी से आना पड़ेगा तो मैं किसी ने गांव से भेज। फिर उसका अपने साथी से फ़ोन कराया तो एक पवन नाम का लड़का है उसका पड़ोसी, वो उसको लेके और एक दूसरे साथी को किसी को मदद के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर उसको लेके घर गई। जब वो घर आए जब उस टाइम पर थोड़े से मतलब नाजुक हालत थी उनकी, थोड़े से बोल चाल वो कर रहे थे, तो उसने अपनी घरवाली से और अपनी भाभी से ऐसे बताया कि मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया अमित ने और मेरा ट्रैक्टर भी नहीं, इतना बोल के वो बेहोश हालत में हो गया। फिर आनंद फन में जैसे भी गाड़ी का बंदोबस्त करके अगले 20 मिनट में उसको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ले आए। यहाँ आने के बाद में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या कुछ शरीर के चोट के ऊपर उनके निशान, वो फोटो भी उतरे हैं, उनके पेट के ऊपर के निशान चोट के थे। पुलिस में शिकायत? हाँ, पुलिस ने शिकायत दे दी। ये कल एक डेड बॉडी को सिविल अस्पताल दादरी में इसके परिजनों द्वारा दाखिल करवाया गया था, जिन्होंने सोचने के लिए समय मांगा था, जिन्होंने सोच समझ के मामले के बारे में पूरी जानकारी लेके हमारे को स्टेटमेंट दी है। उसके अनुसार ये मृतक धर्मवीर था, ये ट्रैक्टर ट्रॉली का काम करता था। कल इसके दो साथी थे अमित और ओमवीर, ये उन्होंने इसको कल दिन में शराब भी पिलाई, फिर एक होटल के बाहर उसकी जो ना घायल अवस्था में डेड बॉडी मिली थी, तो उन्होंने तसल्ली करके बताया भी उन्होंने इसको जान से मारने की नीयत से इसके ऊपर ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दिया था। तो इस बारे में हम जो है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।